ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਓਜ਼ੀ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਵੀ। ऑस्ट्रेलिया के पहले ओवी चैनल अर्थात ओवी इंडियन टीवी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरी यानी शिव नारायण की ओर से नमस्कार। सिंगापुर के संसद के पूर्व अध्यक्ष हलीमा याकूब आज देश की पहली राष्ट्रपति चुन ली गई हैं। जी हाँ, सिंगापुर की पहली राष्ट्रपति चुनी गई हैं हलीमा याकूब। निर्वाचन अधिकारी की ओर से उनके इकलौते योग्य उम्मीदवार होने की घोषणा के बाद उन्हें सिंगापुर का राष्ट्रपति चुन लिया गया है। आइए आपको दिखाते हैं ओवी इंडियन टीवी चैनल पर हमारी यह विशेष रिपोर्ट। सिंगापुर के इस बार राष्ट्रपति पद का अल्पसंख्यक मलय समुदाय के उम्मीदवार के लिए आरक्षित था और संसद के अध्यक्ष के तौर पर अपने अनुभव के कारण याकूब अपने आप राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन के नियमों के तहत योग्य साबित हो गई। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद हलीमा याकूब ने कहा कि यह हालांकि एक आरक्षित चुनाव था, लेकिन मैं आरक्षित राष्ट्रपति नहीं हूं। उनसे पहले देश के आखिरी मलय राष्ट्रपति यूसुफ इशाक थे, जिनकी तस्वीर सिंगापुर के नोटों पर छपी हुई है। वे 1965 से 1970 के दौरान सिंगापुर के राष्ट्रपति रहे। निर्वाचन विभाग ने इस सप्ताह की शुरुआत में बताया था कि राष्ट्रपति पद के लिए जिन अन्य चार लोगों ने आवेदन किया था उनमें से दो मलय नहीं थे और दो ने योग्यता प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाया था। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के पहले ओवी चैनल अर्थात ओवी इंडियन टीवी चैनल में अभी तक के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक मुझे यानी शिव नारायण को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पहला ओवी चैनल अर्थात ओवी इंडियन टीवी चैनल। नमस्कार। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਓਜ਼ੀ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਵੀ।